वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे साथ है मेरी पूकी जीजा। उन्होंने आज मेरे लिए एनबीसी से चॉकलेट शेक ऑर्डर किया है। कम बोल थोड़ा, मैं मेरे लिए किया है आपको राक्षस की बहन समझता था। आप तो मेरी माते बहन निकली। चॉकलेट चॉकलेट शेक पिला दो बस। कौन सा शेक मंगाया आपने मेरे लिए? तो गाइस ब्राउनी है। हाँ, ब्राउनी और हॉट चॉकलेट है। और दिस वाह न्यूट्रेला शेक। तो ये अरे वाह यार, अरे यार नहीं यार, तो जब मतलब हो तब आके चुप कर जाना। लो यार आप फटाफट लो, क्या खिला रहे हो? और लल्ला कैसा है, क्या कर रहा है? लल्ला डोंट डिस्टर्ब मी, खाने पीने में। और अभियंश एक घंटे तक किसी का फोन, क्या कर रहा है? सालों को मरने दो। तो गाइस अभियंश खेल रहा है फ्री फायर। फ्री फायर का प्रो प्लेयर है। किसी का फोन नहीं उठाऊंगी, मरने दो सबको। तो मैं क्या कह रहा हूं, खाऊंगी पीऊंगी। तुम थोड़ा सा बहुत तो मेरे को भी खिला दो यार प्लीज। गाइस देखो मैं बहुत गरीब हूं, आप प्लीज मेरे को ज्यादा से ज्यादा फॉलो सब्सक्राइब शेयर करो तो मैं जाके एनबीसी से खाता हूँ। गाइस ये बहुत गरीब है, इसको सब्सक्राइब करो ताकि ये लेके खा पाए कुछ ना कुछ। हाँ वरना ऐसे गरीबों पे डिपेंड होना पड़ता है। नहीं नहीं अमीर है गाइस सॉरी सॉरी। अरे प्लीज यार आप प्लीज यार ऐसे मत करो यार, मेरे दिल का दरिया बह जाएगा। लो यार जीजा ठूंगाओ मत यार आप। आपको मेरी कसम है यार, अगर आपने कुछ नहीं खिलाया तो मैं पापा के पास जा रहा हूँ। पापा मम्मा प्रणाम। मम्मी जीजा घर ना, जीजा एनबीसी से बहुत सारी चीजें मंगाई आपके लिए। हाँ। क्या-क्या मंगाया? पापा तो चड्डी में सोते रहते हैं हमेशा। क्या क्या मंगाया है ना? न्यूट्रेला शेक, ब्राउनी और एक कोल्ड कॉफी। अच्छा, तो चलो आ जाओ। चलो आओ। चलो मैं चलती हूँ। हाँ मैंने बोला आज सेठ लोग हैं, सेठानी जी पार्टी दे रही है तो सबको मुंह बुला लूं। मैं देखो मम्मी सेठानी जी हमारी फैमिली है। हाँ ये हमारी फैमिली है, मैं इनकी माँ हूँ, इनकी माँ हूँ। लेकिन खाने के लिए उसके अलावा नहीं भाई। सॉरी यार मेरे आसपास मत भटको यार प्लीज। या भाई मुझे भी दे दो यार। देखो आप बोलो, आपके पैर दबा दूं मैं गाइस। हाँ अभी पैर दबाते हुए नजर आई आपको आपकी बेटी दूसरा। लो जीजा यार देखो गाइस मैं कितना कितनी मेहनत कर रहा हूँ एक न्यूट्रेला शेक के लिए। गाइस तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यार मेरे को खाने भी नहीं देते ये लोग। अरे तो भाई मम्मी ऐसे देखते रहो जीजा को, ऐसे देखते रहो तो जीजा के हलक से उतरेगा नहीं। हेलो यार खिला दो यार। तो गाइस अभी मैं पहले खाता हूं फिर मिलता हूं मैं आपसे। भूल जाएगा यार, दे दो यार अब तो, दे दो यार प्लीज। सॉरी प्लीज प्लीज सॉरी प्लीज प्लीज जीजा लादे मेरे बेटे को डोल जाए प्लीज। प्लीज दे दो एक वो लिया नारियल पानी और नरकी पानी देख। हां यार सही दिमाग दिया मम्मी आपने। अरे फट जाएगा उसमें मोटा है। जाएगा क्या ना, मैं तेरे को मैं खा ले पीके मैं देखो देखो झूठा नहीं कहूंगा। मैं खा के देखो तेरे को मान जा यार, मान जा तू क्या पे चाटा मार दूंगी अभी। मैंने खा लिया है यहां पे कोल्ड कॉफी का। एक एक कोल्ड कॉफी के लिए इतने लोग, आप पांच ही मंगा लेते यार। हां यार इतना पैसा है क्या, कहां लेकर जाओगे आप पैसा यार? अनार के लिए 100 वो आ गए हैं बीमार। अरे लल्ला तेरा मन नहीं हो रहा क्या? तू भी कर ले बेटा, तू देख तेरी काली काली निगाहों से। लल्ला की बहन तो गाइस मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। चारों लोग ट्यूशन, एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको तो। और तू कहाँ जा रहा है? लाल टी शर्ट कौन सा हाउस में है तू? अरे खिलाते तो है। और तू खा देते बस तू? हाँ व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस तो कोई तुम्हारा हाउस ही नहीं है ना। अब आदर्श को छोड़ने जा रहे हैं, उसके क्रिकेट के टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस के जा रहे हैं। अंश चला रहे गाड़ी और भाई साहब
बेसिकली ये तो एक्स्ट्रा में बैठा रहता है, ये जाता है वहाँ पे इसकी बंदी को देखने, वो बैडमिंटन खेलती है इसलिए तो ये अभी से इतना चूती है कि अपनी बंदी को देखने के लिए ये इससे वहाँ जा रहा है। सोचो ट्यूशन की छुट्टी ले गया ना, वेला है ना भाई अंश। तो गाइस इतना वेला जीवन में भगवान किसी को ना बनाया जिसको इतना बना रहा है मेरे बच्चे को। चलो तो मिलते हैं आपको MPS पहुंच के। जा रहा है गेम सब बजा रहा है। ओए इसको बैटिंग मिलती है क्या? इसको बैटिंग मिलती और बॉलिंग मिलती है क्या इसको? नहीं छी छी छी। अरे देख तो ले इधर गाइस। आज मतलब अब जीजा ने ना सर में ये लगाया, क्या लगाया जीजा? मेथी। तो इससे क्या होता है यार? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपके तो कितने गंदे बाल हो रहे हैं। गंदे बाल? हाँ मतलब बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। तो गाइस पापा लेकर आए थे कौन सबके लिए आइसक्रीम के, और अभियंश तू क्या खा रहा है? इसके साथ क्या चॉकलेट? ये यार ये तो गंदी, इसमें केमिकल आते हैं, मत खाया कर। बताना इसके साथ क्या चॉकलेट, क्या केमिकल आते हैं? बेकार है, तो फ्लेवर्ड वाली रहती है, बेकार वाली आइसक्रीम है। मेरे लिए पापा आइसक्रीम लेकर आए, और मैंने रिकॉर्डिंग करी, एक मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। और पापा पापा कमा कहाँ गई बताया नहीं? कमा केकड़ी गए। केकड़ी गए क्या? अब ये तो हाथी चाट रहे हैं। तो आज तो जीजा ने ये सर में लगाया, इसके आप है ना सीधा ऑनियन ऑयल लगाओ, उससे ठीक रहेगी आपके बाल। गाइस मैं जो आइसक्रीम खा रहा था तो ये कागज चाटने को मन हुआ, जैसे ही मैंने देखा कैमरा चल रहा है फिर आइसक्रीम खाने लगा। और तो पीछे से मैंने मेरी तरफ कैमरा किया था, मैंने कागज खा लिया। जी आप तो पूरा चबा के थूका है आपने, झूठ तो बोलने की जरूरत नहीं आपको। देखा दूसरों का मजाक बना लेंगे, खुद का मजाक बनता है तो बस पता चल जाता है। और जीजा मेरे कल मेरा बर्थडे, मतलब बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ मैं कल, तो आप हाँ लेकिन फिर वो ट्यूसडे है ना उस दिन, तो उस दिन मतलब मंदिर घूमूंगा बढ़िया। तो आप कल जल्दी आ जाओगे ऑफिस से? कितने बजे तक? 4-5 बजे तक आ जाओगे? कल तेरे ट्यूशन की छुट्टी करा दूँ? आपके लिए वेज बना दूंगा लड्डू पार्टी। तो क्या खाओगे? पापा बनाओगे कहाँ यार, वो तो डिसाइड किया नहीं हमने यार। आप ऐसे फाइनली जिम के लिए रेडी हो गया हूँ और निकल रहा हूँ जिम के लिए। यहाँ पे मैच आ रहा है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का, दिखा नहीं सकता ना कॉपीराइट लग जाएगा। और जीजा मम्मा यहाँ पे बैठी हैं तो मैं निकल रहा हूँ बस जिम के लिए, 2 मिनट में पहुँच के फिर आज का वर्कआउट दिखा पाऊँ। शायद लेग्स मारूंगा, लेग्स से शायद शोल्डर हिट करूँगा। तो देखो गाइस नई स्लीपर्स लेकर आया था, पता ना कैसी लग रही है, नई स्लीपर्स लेकर आया था कल जाकर। तो चलो अब आपसे जिम पहुँच के मिलते हैं। आने वाला था वो है करण की, अब जा रहे बालाजी के मंदिर और फिर वहाँ से देखो पहुँच के मिलता हूँ मैं आपसे। नहीं